हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के जो ऑफिशियल मॉडल सेट है 2023 का, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कहते हैं कि यह पंक्ति जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है यह कहाँ से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पुत्र वियोग से लिया गया, जिसका राइटर लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैग्सेस सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिताब दियारा, सारण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है शंकर और पार्वती जी का, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति जो है ना, ये आपको डॉक्टर व्यवसाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर जो है ना, ये आम के फल लाए थे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या है, करतार सिंह, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगड़ किस जगह से आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, धांगड़ जो है या किस जगह से आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण बिहार। इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूत काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी? कहते कि मुन्नी कौन थी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुन्नी कौन थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बिश्नी की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगित और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वाद विवाद संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हेनरी लॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जायस कब्र अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास जी ये किस धारा के संत थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वैष्णव दर्शन के संत थे नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये शोक गीत है। क्या होगा सुभद्रा कुमारी, ये क्या है शोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सक्सरिया पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सरिया पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काराध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास की कविता का नाम क्या है, तो नाभादास की कविता का नाम है आपको छप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 अक्टूबर 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, तो रघुवीर सहाय जी का निधन जो है ना ये आपको 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है, तो सुखमय जीवन के लेखक का नाम है आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है, तो पद्मावत जो है ना ये जायसी जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है, उर्वशी के रचयिता का नाम है आपको रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम है मुक्तिबोध, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा कहते हैं एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अधिनायक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय रचित पठित पाठ का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे, तो विनोद कुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गांव का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह जो है ना ये उसने कहा था कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूर के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कवित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधुनिक काल का कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी किस काल के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना ये आपको भक्ति काल की कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वक शीर्षक कविता किस महाकवि का अंश है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के
दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुकुल मुकुल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, आपके मॉडल क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसी वजह से आपको मॉडल सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से आपको कितना सही हो रहा है, इसमें से आप कितना जानते हैं, आप हमें कॉमेंट में बताएँगे कि सर मुझे 100 में इतना सही हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक जो है ना, ये आपको अज्ञे जी है, यानी सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीटी की माँ का नाम क्या है? टीटी की माँ का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? कहते कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भौतिकवादी रीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ हो जाएगा आपको हर जगह व्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक स्थिति खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको बिखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग है उप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आपको इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बड़प्पन शब्द में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आपको पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपको कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न का मूर्धन्य न का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपको तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपको ओष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर शब्द क्या है? कहते हैं कि शहर शब्द क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पुल्लिंग। शहर शब्द क्या है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आयु है ना, ये हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द जो है ना, ये आपको स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो अनुराग शब्द का विलोम हो जाएगा आपको विराग। क्या हो जाएगा? अनुराग का हो जाएगा विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? अस्थावर शब्द का विलोम हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपको निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द का विशेषण हो जाएगा आपको स्वर्णिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत शब्द का विशेषण क्या है, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जगत शब्द का विशेषण जो है ना ये आपको हो जाएगा जागतिक, क्या हो जाएगा जागतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दिन का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपको दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण हो जाएगा आपको पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के जो है ना चार भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, संख्यावाचक विशेषण कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा साधारण शब्द कौन समास है, देखिए इसमें यथा लगा हुआ है ना ये अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह शब्द कौन समास है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपको भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपको गिरिजानंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो नदी शब्द का पर्यायवाचिक हो जाएगा आपको भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोरा शब्द का पर्यायवाचिक शब्द क्या है, भोरा शब्द का जो पर्यायवाचिक शब्द होगा वो हो जाएगा आपको मधुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सुजोड़ आगत या स्वजोड़ आगत या स्वजोड़ गत या स्वागजोड़ त, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ये सुजोड़ आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गे जोड़ अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परम जोड़ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन शब्द में कौन संधि है, पवन शब्द में जो है ना ये आयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द कौन संज्ञा है, तो भीड़ शब्द जो है ना ये आपको समूहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपको पांच भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है, तो कुर्सी शब्द जो है ना ये आपको जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है, तो दूध शब्द जो है ना ये आपको द्रववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय शब्द कौन समास है, महोदय शब्द जो है ना ये कौन सा समास है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहन शब्द कौन समास है, तो भाई बहन शब्द जो है ना ये आपको हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि पंचानन शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द्वंद्व या द्विगु या तत्पुरुष या कर्मधारय, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी आपको ये वीडियो में कितना सही हुआ है, आपने 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही किए हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।